आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए जिनकी फसल कीट पतंगों द्वारा नष्ट हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले कीट पतंगों के बारे में और उनसे बचाव कैसे किया जा सके। जैसा कि हम सबको पता है, टमाटर दुनिया की एक ऐसी फसल है जिसने अपने कुछ विशेष पोषक तत्वों की वजह से लोकप्रियता हासिल की है। टमाटर दुनिया के हर देश में उगाया जाने वाला फल है। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से फल छेदक से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कीट पतंगों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे चने की सुड़ी, यह टमाटर को भारी नुकसान पहुंचाती है। यह कीट पौधे में फूल आने से पहले उसकी कोमल शाखाओं और पत्ती और उसके फूल को खा जाती है, जिसके कारण हमारा फल छिद्रित दिखाई देता है। फल लगने के बाद सुड़ी फल में गोल छेद बनाकर अपने आधा हिस्सा बाहर और आधा हिस्सा अंदर करके गूदे को खाती रहती है, जिससे हमारा फल सड़ जाता है और जमीन पर गिर के नष्ट हो जाता है। यह कीट एक प्रकार से बहुबच्ची कीट होता है। इसकी सुड़ियां चिकनी व काले रंग की दिखाई देती हैं। इसकी सुड़ियां प्रारंभ में ही अपने समूह में रहकर हमारी पत्तियों को खुरचकर खाती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं सफेद मक्खी के बारे में। इसके वयस्क एवं शिशु दोनों ही हमारी पत्ती का रस चूस लेते हैं तथा यह कीट पत्ती मरोड़क मोजक बीमारी फैलाते हैं। छोटे व सफेद जीव पत्तियों के निचली सतह में पाए जाते हैं। सफेद मक्खी से ग्रसित पत्तियों में काले फफूंदी की बीमारी लग जाती है। अब बात कर लेते हैं लीफ माइनर की। इस कीट की मादाएं पत्ती की सिराओं में छेद करके उसमें अंडे देती हैं या पत्तियों के हरे पदार्थ को खाकर उसमें सुरंगे बनाती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं रस चूसने वाले कीट की, यानी कि चैंपा। इसके अभ्रक एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों व उसकी ऊपरी टहनियों का रस चूसकर पौधे को हानि पहुंचाते रहते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रोकथाम के बारे में और इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है एक ही कीटनाशक का बार बार प्रयोग नहीं करना है। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय हमको जो फल तोड़ने योग्य उनको तोड़ लेना चाहिए और रोग ग्रसित फलों को तोड़कर कि कहीं बाहर दूर नष्ट कर देना चाहिए। खेत की गहरी जुताई भी करनी चाहिए, जिससे हमारे खेत में उपस्थित कीट और उसके वयस्क दोनों ही धूप के कारण नष्ट हो जाएं। खेत में उपस्थित बीमारी से ग्रसित पौधे को उखाड़ कर कहीं दूर जाके नष्ट कर देना चाहिए। टमाटर की रोपाई करते समय प्रत्येक 10 से 15 लाइनों के बाद एक कतार गेंदे की भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से हमें चने की सुंडी से नियंत्रण मिलता है। अब बात कर लेते हैं रस चूसने वाले कीटों के बचाव के लिए। इमिडाक्लोरोपिट 2 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ साथ थायोमिथॉक्साम 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। डाइमेथोएट 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ प्रयोग करें। फल छेदक कीट के लिए हमें नोवाल्यूरॉन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं या फिर इंडोस्कार 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। लेमडा साई हेलोथ्रिन 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर फ्लुबेंडामाइड 1 ml प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से बारी बारी से छिड़काव कर सकते हैं। फल छेदक की निगरानी के लिए हमें 5 फेरोमोन टैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने टमाटर को कीट से बचा सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।